चुनावी बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस स्कीम के जरिए राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत और संस्थाओं से चंदा मिल रहा था। इस फैसले से सबसे बड़ा झटका भाजपा को लगा है, जिसे सबसे अधिक चंदा मिल रहा था। अदालत ने ये भी कहा कि अप्रैल 2019 से लागू इस योजना के तहत किस दल को कितना चंदा मिला, इस बात की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। फिर चुनाव आयोग को इस सूची को वेबसाइट पर डालना होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आए इस फैसले से केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। आइए अब आपको बताते हैं उन 5 बड़ी बातों के बारे में जो अदालत की ओर से चुनावी बॉन्ड पर फैसले में कही गई। अदालत ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, इसमें सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन है। आम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वे जिन दलों को वोट दे रहे हैं उन्हें किस से कितना चंदा मिल रहा है, उनकी फंडिंग की व्यवस्था क्या है। अदालत ने ये भी कहा कि ये स्कीम काले धन की समस्या का समाधान नहीं करती, इसमें बॉन्ड खरीदने वाले का नाम उजागर नहीं होता, ये आम लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा ना होना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने चुनाव आयोग की भी खिंचाई की। अदालत ने कहा कि आप चुनावी प्रक्रिया पूरी कराने वाली एजेंसी हैं। यदि आपको पता ही नहीं होगा कि चुनाव में राजनीतिक दलों को कहां से कितना पैसा मिला, तो फिर पारदर्शिता कैसे आएगी। ये कहते हुए कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया है कि इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी दी जाए, फिर आयोग उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर भी शेयर करे। अदालत ने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की किसी और व्यवस्था पर विचार करना होगा, ऐसी योजना के बारे में सोचना होगा जिससे पारदर्शिता आए और दलों को फंडिंग भी मिल सके। अपने फैसले में अदालत ने चुनावी बॉन्ड को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया। बता दें, इस फैसले के साथ कंपनीज एक्ट और जनप्रतिनिधित्व कानून में किए गए संशोधन भी अब रद्द हो गए हैं।